आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। यूपी के हाथरस में भगदड़ के 24 घंटे बाद भोले बाबा का पहला बयान आया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह के जरिए लिखित बयान जारी किया, जिसमें लिखा, समागम से मेरे निकलने के बाद हादसा हुआ, असामाजिक तत्वों ने भगदड़ मचाई है, इन लोगों के खिलाफ लीगल एक्शन लूंगा, घायलों के स्वस्थ होने की कामना करता हूं। सत्संग के बाद हुई भगदड़ में 122 लोगों की मौत हुई है, इनमें 112 महिलाएं, 7 बच्चे और 3 पुरुष शामिल हैं। 4 जिलों हाथरस, अलीगढ़, एटा और आगरा में रात भर शवों का पोस्टमार्टम हुआ। परिजन अपनों की लाश को लेकर इधर उधर भटकते रहे। प्रशासन ने अब तक 121 मौत की पुष्टि की है। हादसा मंगलवार दोपहर 1 बजे फुलरई गांव में हुआ। बुधवार सुबह 11:30 बजे सीएम योगी भी हाथरस पहुंचे, जिला अस्पताल में घायलों से मुलाकात की, घटना स्थल गए, अफसरों से पूरे हादसे की जानकारी ली, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, यह हादसा साजिश जैसा है, लोग मरते गए, सेवादार वहां से भाग गए। उन्होंने न तो प्रशासन को सूचना दी और न ही मदद की। प्रशासन की टीम जब पहुंची तो सेवादारों ने उन्हें आगे जाने नहीं दिया। हमने भी कुंभ जैसे बड़े आयोजन किए, लेकिन ऐसी चीजें नहीं हुई। सीएम ने कहा, जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। हाई कोर्ट के रिटायर जज, पुलिस के सीनियर रिटायर ऑफिसर की टीम भी मामले की जांच करेगी, जो भी दोषी होगा उसको सजा देंगे। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।